और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एंडस न्यूज़ वन। नाज़रीन, कोस्तान के मसाइल तो काफ़ी सारे मसाइल हैं। कोस्तान मसाइलिस्तान बना हुआ है, सैलाब के बाद आज तक इसके जो मसाइल है वो हल नहीं हो पा रहे हैं, और जो ज़िली इंतजामिया है और जो बाला अस्लान है वो तस से मस नहीं हो रहे। बार बार उनको आगाह किया गया लेकिन वो अपने जो मौज मस्तियों में लगे हुए हैं, लेकिन आवाम का दर्द और आवाम के जो मसाइल हल करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नाज़रीन, आजकल कोहिस्तान में एक वबाई मरज का फैल चुका है, जिसकी वजह से कोहिस्तान में बहुत ज़्यादा शदीद दबाव का शिकार है लोग और शदीद अफरा तफरी का शिकार है, क्योंकि कोहिस्तान में सहूलियात न होने के बराबर है। तो आपको बताते चलो कि कोहिस्तान में एक डेंगू और जो मलेरिया और दूसरी जो बीमारी हेज की बीमारी वो शिद्दत से फैलता जा रहा है, लेकिन इसके लिए एहतियाती तदाबीर बिल्कुल ज़िले इंतजामिया की तरफ से न होने के बराबर है। और जो ज़िले में जो एक DHQ है वो खालिस इन मरीजों को देख रहा है, तो वो बिल्कुल नाकाफ़ी है। तो ज़िली इंतज़ामिया और जो मकाम से लोगों ने काफ़ी सारी शिकायतें की है, और उनका कहना है कि कोहिस्तान में सहूलियात न होने के बराबर है और हमारे जो मरीजों को काफ़ी शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। एक तो दवाइयां भी यहां पे मैसर नहीं है सरकारी अस्पतालों में, दूसरे जो यहां पे सहूलियात है वो भी मैसर नहीं है, और जो ट्रांसपोर्ट और एम्बुलेंस का सिस्टम है वो तो यहाँ पर बिल्कुल भी न होने के बराबर है। तो ज़िली इंतजामिया और काफ़ी लोगों ने हमसे शिकायतें की कि आप ज़िली इंतजामिया को आगाह करें कि हमारी ये मसरूफियाँ, हमारी ये मुश्किल है, उसको थोड़ा सा देखा जाए और हम पे थोड़ा सा तरस खाया जाए, ताकि हमारे जो मरीज़ है वो थोड़ी सी सकून की ज़िंदगी गुजार सके और हमें जो सहूलियात है वो मैसर आ सके। तो नाज़रीन, आपको बताना पता चलो कि कोहिस्तान में सहूलियात बिल्कुल फ़ुक़दान है, और जो ज़िली इंतजामिया है वो बिल्कुल बेहिस नज़र आ रही है, और आज तक कोई ज़रूरी इकदाम उन्होंने नहीं किए हुए हैं। तो हाँ, लोगों का ये कहना है कि जो अस्पतालों में जो रश पड़ रहा है तो उसके लिए यहाँ के जो और जो सहूलियात है, यहाँ पे दवाइयाँ हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, और यहाँ पे आज का जो डेंगू का टेस्ट है वो भी मैसर नहीं है, और लोग दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। सिर्फ DHQ के अलावा कोई और ऐसे लेबॉरेटरी नहीं है या लेब नहीं है वहाँ से वो अपना जो टेस्ट करवा सके। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम लेके आपकी खदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।